नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर जबलपुर के कैंट विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया। इसमें रांची व्हीकल से कैंडल मार्च निकाला, सभी धर्म के धर्म गुरु शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रदेश भर से कार्यकर्ता मौजूद रहे। महापौर जगत बहादुर सिंह ने कहा कि मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह को हटाया जाना चाहिए और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। मणिपुर को लेकर सभी लोग चिंतित हैं। लगातार यहां पर हिंसा, आगजनी, हत्याएं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार जैसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। वहां का जनजीवन सामान्य बने और अभी तक हिंसा में मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी धर्मों के धर्म गुरुओं ने ईश्वर से मणिपुर में शांति के लिए दुआ की है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। मणिपुर में हो रही घटनाओं को लेकर पूरा देश दुखी है। निरंतर ये आवाज़ें पूरे देश से उठ रही हैं कि वहाँ पर सरकार कंट्रोल करे और लोगों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, जो हत्याएं हो रही हैं, जो मातृशक्तियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको तत्काल रोका जाना ही चाहिए। इसके लिए आज जबलपुर में पुनः एक बार सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्म गुरु शामिल हुए और सब ने मिलकर एक ही स्वर में, एक ही आवाज़ में यही कहा कि यह देश अमन चैन शांति वाला है। हम सब उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, गंगा जमुनी तहजीब रहती है, जहां दिल से काम लिया जाता है, दिमाग से नहीं लिया जाता। और इस देश में अगर सुख, चैन, शांति, अमन नहीं है तो निश्चित तौर पर ये सरकार का काम है कि उसको ठीक करे। हम लोगों ने श्रद्धांजलि भी दी उन सभी लोगों को जिनकी वहाँ पर हत्याएँ हुई, उन पुण्य आत्माओं के लिए प्रभु से प्रार्थना भी की, साथ ही साथ सरकार से भी इस बात की गुजारिश, हम लोगों का संदेश वहाँ तक पहुँचे कि मणिपुर में तत्काल जो जातिगत तरीके से या अन्य तरीके से वहाँ पर लोगों की हत्याएं हो रही हैं, अमन चैन समाप्त हो गया है, उसको सरकार रोकथाम करे और अमन चैन शांति तत्काल वहाँ पर स्थापित हो। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।